हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफसी एकेडमी। एस्ट्रेट्स, व्हाट इज एस्ट्रेट्स? एस्ट्रेट होता क्या है, कॉमेट्स क्या होता है, मीटर क्या होता है और मीटर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, बेसिकली जो एस्ट्रेट होता है, आपको पता है ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये घूमते रहते हैं, मतलब ये चक्कर लगाते रहते हैं। बेसिकली होता क्या है, एस्ट्रेट जो होता है वेरी स्मॉल प्लैनेट होते हैं और इसको बोलते हैं क्या, प्लैनेटॉइड भी हम बोल सकते हैं, किसको, एस्ट्रॉइड को। और देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा, एक तो होता है क्या मीटर्स होता है और दूसरा मीटर होता है। मीटर और मीटर्स, देखिए यहाँ पे उससे समझ में आपको मीटर हेड होता है, ठीक है, क्या होता है, मीटर हेड होता है। उसमें क्या होता है, ये दोनों उसी में से निकलते हैं। कैसे ना, जब मान लो कोई आर्थ से, आर्थ की जो सरफेस होगी, सरफेस को अगर कोई कॉमेट्स आए, अगर टक्कर लगाए, अगर कोई मीटर्स आए टक्कर लगाए तो उसको बोलते हैं मीटर्स। अगर टक्कर ना लगाए वो वहीं पे मतलब स्पेस में ही बर्न अप हो गया, यानी जल गया, जल के ख़त्म हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, मीटर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और देखिए कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स भी क्या होते हैं, ये भी एक स्मॉल बॉडी होता है किसका, सोलर सिस्टम्स की, ओके। और जिसके पास जो कॉमेट आएगा, जो कॉमेट होगा, कॉमेट के पास क्या होगा, टेल होगा, हेड होगा, तो इसको आगे हम अच्छी तरह डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी और भी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसके बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने लिया एस्ट्रेट, लिया कॉमेट, मीटियर, मीटर्स, फायरवॉल एंड मीटर्स। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए सबसे पहले जो तो होता है एस्ट्रेट, फिर बात है कॉमेट, ओके। देखिए यहाँ पे जो मीटियर होता है और मीटर्स होता है, फायरवॉल, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, मीटर से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, मीटर से ही निकलते हैं। यहाँ पे आपको दोनों बात याद रखना है कि ये जो कॉमेट है ये बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, कॉमेट और मीटर, लेकिन मीटर में क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बिखर जाएगा, लेकिन इसका कुछ टेल होगा, जैसे देख सकते हो एक एक लंबा सा उसका टेल होगा, इस तरह मीटर और कॉमेट के बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, समझ में। और मीटर मैंने बताया क्या ना, जब ये आर्थ के ऊपर आके, यानी आर्थ के सरफेस के ऊपर आके टक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीटर्स, ओके। और देखिए यहाँ पे एक लिखा है फायरवॉल, फायरवॉल होता है क्या है, फायरवॉल वो होता है जो कि मीटर होने से पहले बहुत ही ग्लो करता है। मैंने क्या बताया, मीटर होने से पहले बहुत ही ग्लो करता है, यानी बहुत ही ग्लो करेगा, ओके, एक ग्लोइंग ग्लो बॉल उसको मान सकते हो, उसको इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या, फायरवॉल, समझ में। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए पहले क्या होता है, कॉमेट्स मैंने बताया, फिर आता है एस्ट्रेट, फिर आता है मीटर, फिर आता है मीटियर्स, फिर आता है मीटेड। देखो जब आर्थ को टच किया है हम उसको बोलते हैं मीटर, उससे थोड़ा ऊपर होगा क्या होगा, मीटियर। अब देखो मीटर कैसा होता है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है, ओके। एक्चुअली मीटर का जो क्या होता है, साइज होता है वो एक छोटा सा, मतलब जैसे कि एक सैंड से लेकर एक बहुत बड़ा बोल्डर तक भी उसका साइज हो सकता है, ओके। और एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड आपको पता है जो कि हमारे जो होते हैं क्या, मार्स और जुपिटर के बीच में उनके एक पाथ होते हैं, उसी के अंदर उस सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ओके। और कॉमेट आपको पता है, कॉमेट आईसी और रॉक ओरिजिनेटिंग होता है, मतलब आईसी फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ मटेरियल भी रहते हैं, ठीक है, रॉक्स भी रहते हैं, कॉमेट्स वो हो जाते हैं, समझ में सबको। लेकिन पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा कॉमेट, फिर बाद में आएगा एस्ट्रॉइड, फिर बाद में आएगा मीटर, फिर बाद में आएगा मीटर, फिर बाद में आएगा क्या, मीटर। अब इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं आगे की मतलब इसको और भी डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, क्या क्या जानने के लिए मिलता है, ओके। अब देखो पहला बात है एस्ट्रॉइड, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो एस्ट्रॉइड है, ये एस्ट्रॉइड है, ओके। और यहाँ पे हमारा अर्थ, ये पता है ये छोटा सा कौन सा है, ये मून, क्या होता है, मून, ये होता है अर्थ। और इसके साइड में क्या है, इसको हमने देखे कि ये क्या है, एस्ट्रॉइड। मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड होता है कि ये बहुत ही स्मॉल प्लैनेट होते हैं, बहुत ही छोटे प्लैनेट होते हैं, ओके। और ये प्लैनेट का ही फ्रैगमेंट्स है, और ये किस किस के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने के लिए मिलता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको स्मॉल प्लैनेट भी बोल सकते हैं और इसको प्लैनेटॉइड भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्लैनेटॉइड एंड स्मॉल प्लैनेट भी हम उसको बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली,
और एक बात याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सन की जो पाथ होती है, मतलब सन के चारों तरफ जैसे दूसरे प्लैनेट लगाते हैं, ओके, देखिए इसका एक पाथ होता है, उनका भी एक खुद का पाथ होता है, वो भी उसी पाथ पे वो सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, समझ में। और इतने ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि उनके खुद के एटमोसफेयर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, एक तो होता है सीरियस, दूसरा होता है विभीषता, ओके। इस दो नाम को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि दो नाम बार बार एग्जाम में पूछा थे। सीरियस क्या होता है, ये जो हमने देखा एस्टर्ड बेल्ट है, एस्टर्ड बेल्ट के अंदर एक एस्टर्ड है जिसका नाम है सीरियस, वो सबसे बड़ा है, वो क्या है, सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 950 किलोमीटर तक ही है, कितना है मैंने बताया, 950 किलोमीटर तक ही उसका डायमीटर, ओके। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में इसको डाल दिया। किस कैटेगरी में डाला, ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में इसको डाला, किसको, सीरियस को। और भी क्या, और भी क्या है, फोर भिस्ता जो कि सेकंड बिगेस्ट है, ओके, और ब्राइटेस्ट एस्टर्ड है जो कि आज से उसका विजिबल होता है, ये आपको याद रखना है कि और भी क्या, और एक क्या है, फोर भिस्ता नाम का एक एस्टर्ड है जो कि सेकंड बिगेस्ट है और ब्राइटेस्ट है जो कि आज से हमें विजिबल होता है, आज से हमें दिखाई देता है। यहाँ पे और एक आपको बात समझना है, एक है ट्रोजन एस्टर्ड, मैंने क्या बताया इसको, ये आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा शायद, ओके, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है कि ट्रोजन एस्टर्ड, ये कहाँ पे मिलता है, देखिए जो जुपिटर होती है उसकी ऑर्बिट होती है, उसके ऑर्बिट में टू क्लाउड्स मूव कर रहे होंगे, ओके, एक होगा क्या ना जुपिटर के आगे एंड एक मूविंग एहेड कर रहा होगा और एक मूविंग बिहाइंड कर रहा होगा, उसी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, ट्रोजन एस्टर्ड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रोजन एस्टर्ड कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तब बोले क्या, इट इज़ फाउंड इन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, आपको इतना बताना कहाँ पे, ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, यह क्वेश्चन आता है कि ट्रोजन एस्टर्ड आर फाउंड इन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, ओके। और एक बात है कि जितने सारे एस्टर्ड्स हैं वो खुद की चारों तरफ, खुद की एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उनको 5 से 20 घंटा लगता है, कितना घंटा, 5 से 20 आवर लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चार्ट डाला कि पहले मैंने क्या बताया, एक तो मैंने बताया क्या, सीरियस जो कि हमने यहाँ पे देखे थे उसका डायमीटर कितना था, 950 किलोमीटर, कितना था, 950 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 939 है, वो कोई बात नहीं, वो होता है डिफरेंस, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होता रहता है। फिर बाद में होता है ये वन पे आता है, फिर बाद में आता है क्या, भिस्ता, और दूसरा क्या, तीसरा क्या आता है, पलस, और चौथा क्या आता है, हाइजिया। देखिए यहाँ पे जो भिस्ता है, पलस है, उसका जो डायमीटर लगभग सेम ही, मतलब सेम क्या, इसका 525 है, इसका 512 है, ओके, 512 किलोमीटर है, लेकिन देखने के लिए आपको लगता है कि बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका 525 है, इसका 512 है। इस वजह से पहले आ जाएगा सीरियस, फिर बाद में आएगा हिस्सा, फिर बाद में आएगा पालस, और लास्ट में फोर में आएगा क्या, हाइजियम, इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, आगे अब पढ़ेंगे कमेंट के बारे में, देखिए जैसे हमने पढ़े एस्टर्ड के बारे में, अब पढ़ेंगे कमेंट के बारे में। कमेंट भी क्या है, कमेंट एक आईसी, आईसी मतलब पूरा उसका जो बॉडी होता है ना, बना होता है किसे, आइस से बनता है, हाँ थोड़ी थोड़ी उसमें तो रहते हैं जैसे कि रॉक मेटल लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है क्या होता है, आइस ही रहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी क्या है, एक स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है, ओके, इसके पास ये एक सबसे नज़र अलग होगा इसका, क्योंकि इसके पास क्या है ना, हेड भी है और टेल भी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, इसके पास क्या है, हेड भी और टेल भी है, एक्चुअली बहुत दूर तो भागता है, ठीक है, ऐसे ऐसा करके बहुत दूर तो भागता है, ओके, और इसका जो टेल का लंबाई बोलते हैं ऐसा कि 20 से 30 मिलियन किलोमीटर तक इसका लंग हो सकता है, पता है ना आपको इसका टेल कितने 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 हो सकते हैं, 20 से 30 मिलियन किलोमीटर लंग इसका टेल होगा, मतलब लगभग ही सोच है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब एक कमेट्स सन के यानी सूर्य के जब निकटतर होता है, निकट यानी नियरेस्ट होता है, तभी जल जाता है और उसका जो टेल होता है वो निकल के निकल जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है
इट हाँ इसका इट टेल्स ओरिजिनेट्स ओनली व्हेन इट गेट्स क्लोजर टू द सोर्स, यानी वो जब ये सन के पास आता है तब इसका टेल निकलता है, क्योंकि वो बर्न अप होता है, ठीक है, इस वजह से पिघलता है, पिघलने के बाद उसका टेल निकलता है। ओके आगे देखो, आगे कहने का मतलब ये देखो, देखिए कॉमेट्स जो होता है बेसिकली एक ह्यूज क्लाउड, हाँ यहाँ पे एक बात आती है ऑड क्लाउड किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको मार्क नहीं किया था, एक होता है ऑड क्लाउड किसको बोलते हैं, ऑड क्लाउड वो होता है जो कि ह्यूज क्लाउड से बनता है। ओके एक कॉमेट अगर एक ह्यूज क्लाउड में मिलेगा ओरिजिनेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड क्लाउड बोलेंगे। ओके ये भी क्या होता है ना हमारी सोलर सिस्टम के चारों तरफ देखने के लिए, मतलब चारों तरफ देखने के लिए मिलता है, ये सोचते हैं कि चारों तरफ देखने के लिए मिलता है। देखिए व्हेन द कॉमेट ट्रैवल्स क्लोज टू द सन, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि उसका आइस मेल्ट हो जाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, हाँ ये बात है कि व्हेन द उसका टेल निकलता है, लेकिन यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे इसको कुमा किसको बोलते हैं, कुमा वो होता है जब कॉमेट ट्रैवल्स करता है क्लोज टू द सन द आइस मेल्ट टू ए हेड ऑफ गैस। ओके एक गैस बन जाए, हेड ऑफ गैस बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुमा। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्या होते हैं ना, हेली कमेंट। देखिए हेली कमेंट जो होता है वो हर 76 ईयर्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमने लास्ट कब देखा था, 1986 में देखा था, कब देखा था 1986 में। आपको याद इसमें क्या रखना है कि हेली कमेंट एक हेली क्या है, हेली कमेंट है, इसको हेली साइंटिस्ट निकाला था, हेली कमेंट है, और वो हमें 76 ईयर्स के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि उससे पहले कब देखा गया था ना, 1986 में हमें देखने के लिए मिला था। और एक बात आती है शूमेकर लेवी 9, ये भी क्या है, कमेट है। ये कमेट ने क्या किया था, ये जुपिटर को टक्कर लगाया था, कब लगाया था ना, जुलाई 16 से 21 के बीच में, और ये कब हुआ था, 1994 में। ओके इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि शूमेकर लेवी 9 क्या है, एक कमेट एस्ट्रोलॉजी क्या है, कमेट है। अगर पूछे ये किसको किसके साथ कोलाइडेड हुआ था, नहीं जुपिटर के साथ कोलाइडेड हुआ था, कब हुआ था, 1994 में। अगर आपको डेट पूछना है तो आपको डेट भी याद रखना है, लेकिन आपको तीन चार चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते। अब देखें मैटर, मैंने जैसे कि बताया, देखिए मैटर का जो होता है, देख सकते हो मैटर का कोई सेफ साइज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल से साइज होता है। ओके देखिए इसमें ये गोल्ड है, कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसा 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 करके हो सकता है, ओके कैसा भी करके हो सकता है। देखिए मैटर इज ए सेंट, ओके मैटर क्या है, मैटर मैंने बताया, मैटर क्या होता है, बहुत ही छोटे से साइज से लेकर बहुत ही बड़ा साइज तक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक सैंड से लेकर, एक सैंड यहाँ पे मैंने लिखा, एक सैंड से लेकर एक बोल्डर की साइज तक के पार्टिकल का ये साइज हो सकते हैं। ओके और ये सोलर सिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं, कौन सा मैटर। देखिए और एक बात, जब मैटर आते हैं तो हमें दिखे नहीं आते, लेकिन हाँ जब उसका विजिबल पाथ हमें दिखा दे रहा है, यानी वो बर्न अप हो रहा है, जल रहा है, ओके यानी वो जल रहा है, जब जल के वो खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे देखो द विजिबल पाथ ऑफ मैटर दैट एंटर्स अर्थ एटमोस्फियर इज कॉल्ड मैटर। ओके और उसको और ही भाषा में बोलते हैं क्या, उसको शूटिंग स्टार ही बोलते हैं और फॉलिंग स्टार ही बोलते हैं, क्यों स्टार हो के वो अर्थ के ऊपर गिर रहा है उसको बोलते हैं क्या, अर्थ मतलब आ रहा है, जैसे देखते हैं ना एक शूटिंग स्टार आ रहा है, ओके फॉलिंग स्टार, जो शूटिंग स्टार फॉलिंग स्टार मीट हो सारी चीज़ क्या है, एक ही है। ओके और दूसरा होता है मतलब ये जब आता है ना बहुत ही छोटा सा पार्टिकल बन जाता है। ओके अब देखिए जब कंप्लीट बर्न अप नहीं हुआ, ओके आगे देखते हैं। देखो अगर एक मैटर जो एक ग्राउंड के ऊपर टच होता है, ओके और हमारे सर्वाइव को इम्पैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो ये देख सकते हो जब ग्राउंड को टच करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम इस बात को रखने, जब ग्राउंड को टच करे तभी हम उसको मैटर बोलेंगे, वरना हम उसको क्या बोलेंगे, मीटियर ही बोलेंगे। समझ में। ओके और एक बात है कि जो मीटियर क्या होता है, बहुत सारे मीटियर्स, ओके और अगर मान लो कोई सेकंड के लिए एक मिनट के लिए हमें दिखाई दिया, ओके उसको हम क्या बोलेंगे, मीटियर शावर ही बोलेंगे। अगर मान लो कोई मीटियर क्या होगा, सेकंड के लिए मिनट के लिए हमें दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे, मीटियर शावर ही बोलेंगे। देखो ये एक बात होती है, साइंटिस्ट ने ये बात याद करते हैं कि मतलब ये बताते हैं कि ओके कि जितने सारे मीटर्स होते हैं ये मतलब एस्टर बेल्ट से निकलते हैं, कभी कभार क्या होते हैं ना उनके बीच में एक सडन क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। ओके और ये क्या होता है, जो सडन कोलिजन होता है तब क्या होता है ना, वो क्या होता है ना, वो दूसरे से
अर्थ की तरफ आ जाते हैं कभी कभार। तो इस वजह से अर्थ की जब अर्थ की तरफ आ जाते अर्थ की जो ग्रेविटी होता है वो भी कभी ना कभी उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस वजह से हमारे सरफेस के बने अर्थ के सरफेस के ऊपर वो आ जाते हैं। ये थोड़ी सी क्या है, ये विश्वास है कि हाँ ये हो सकता है ऐसा कुछ, हमने इसको इमेजिन किया। ओके, आप देख सकते हो अगर इसको टक्कर लगाए तो कैसा होगा। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये एस्टर्ड क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर्स क्या होता है और मीटर क्या होता है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है क्या रखना है, एक तो क्या है ना एस्टर्ड के बारे में, और सबसे क्वेश्चन तो यही पूछा था कि एस्टर्ड किस किस में मिलता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें मिलता है। ओके, और इसको प्लैनेटरी में हम बोलते हैं, और सीरीज फॉरविस तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, और बाकी इसमें सारे और इसमें सब शो मेकर लेविनाइन इसको भी आपको याद रखना है। ओके, ये सारी चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगी। ओके, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, आई थिंक आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। ओके, थैंक यू।